डी स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर तो अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो रही है टेलीस्कोप की डिक्रीज हो रही है दोनों की इंक्रीज हो रही है दोनों की डिक्रीज हो, 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 हो रही है चेक कर लेते हैं तो देखो अगर मैं टेलीस्कोप पे माइक्रोस्कोप uh, पे आऊँ दैट इज कंपाइंड माइक्रोस्कोप तो जब हमको क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है तो हम कंसिडर uh, करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस यानी कि हमारी फाइनल इमेज इन्फिनीटी में बनती है तो ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम जो हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनती है इन्फिनी में बनती है तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन होती है इन्फिनिटी पे उसका फॉर्मूला होता है वीनोट बाई यूनोट इन्टू डी बाई एफ ई या फिर ये भी होता है एल बाई एफ ओ इन्टू डी बाई एफ ई ठीक है ना माइनस के साइन के साथ ये भी होता है मैं यहाँ पुट कर देता हूँ माइनस का साइन ओके okay, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीज हो रही है बाकी तो कुछ चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉर्स क्या होनी चाहिए डिक्रीज़ होनी चाहिए ठीक है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिक्रीज होगी अब आ जाते हैं टेलीस्कोप की बात करते हैं तो ये अपना टेलीस्कोप है और नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी कि फार पॉइंट पे जो मैग्नीफेसन होता है उसका होता है एफ ओ बाई एफ़ ई तो आप फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव तो की इंक्रीज़ कर रहे हो तो मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ होगी तो टेलीस्कोप की तो इंक्रीज हो रही है ठीक है ना तो हम यह लिखेंगे कि टेलीस्कोप की इंक्रीज़ हो रही है कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें मैच करेगा डी वाला टेलीस्कोप की इंक्रीज़ हो रही है माइक्रोस्कोप की डिक्रीज़ हो रही है मैग्नीफिकेशन